चलिए वेलकम द क्रेव हर्मिट पॉडकास्ट शो। एंड आज हमारे साथ हैं मनीष चंद्रा जी, जिनका एक खुद का स्टार्टअप है रेल रेस्ट्रो, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेनों में खाना सप्लाई करने का एक स्टार्टअप है। ओके तो हम उनसे ही जानेंगे कि उनके ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। हेलो, रेल रेस्ट्रो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले, नियर अबाउट सेप्टेम्बर, सेम मंथ सेप्टेम्बर 2015 में। एंड उस समय जब हमने स्टार्ट किया था, करीब 5 लोगों की टीम से स्टार्ट किया था। ओके। एंड आज हम लोग पैन इंडिया नियर अबाउट 400 स्टेशन पे फूड डिलीवर कर रहे हैं सक्सेसफुली। ओके। एंड अब हमारी टीम साइज भी काफ़ी बड़ी हो गई है। वी हैव टीम साइज ऑफ मोर देन 125 पर्संस इन ऑपरेशंस। ओके। एंड ऑल्सो वी आर हैविंग आवर ओन डिलीवरी फ्लीट एट अराउंड 10 to 15 स्टेशन वेयर वी आर डिलीवरिंग। We have our own delivery fleet to manage the food deliveries in the train. जैसे कि सर आपने 2015 में रेल रेस्टो का स्टार्ट किया, उससे पहले का आपका जर्नी क्या रहा, मतलब रेल रेस्टो का आइडिया इसे कुछ? उस समय एक्चुअली रेल रेस्टो का आइडिया मुझे तब आया जब मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, मैं मतलब फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था एंड उस समय फूड के प्रॉब्लम्स को मैंने देखा। एक्चुअली मैं जब ट्रेन लिया था वो काफ़ी डिलेड थी, अराउंड 20 आवर्स का जर्नी था एंड डे टाइम की जर्नी थी। तो डे टाइम में भी हमने इशू फेस किया कि फूड जो मिल रहा था वो फूड जिस हिसाब से प्राइसिंग था उस हिसाब से फूड हाइजेनिक क्वालिटी फूड नहीं था। तो उस टाइम में ही मुझे ये आइडिया, ऑलरेडी ये होम डिलीवरी का सेगमेंट चल रहा था इंडिया में, फूड पांडा ऑलरेडी काम कर रही थी इस इंडस्ट्री में, काफ़ी एक्टिव थे उस टाइम। एंड उसके बाद ये बाकी और भी कंपनीज आई, स्विगी एंड जोमेटो, लेकिन जिस समय मैं स्टार्ट किया था उस समय फूड पांडा ही एक्टिव थी। एंड उनके बिजनेस मॉडल को मैंने देखा तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि इसको हम लोग ट्रेन में बेसिकली फूड पांडा तो ट्रेन में डिलीवरी नहीं करता था, वो होम डिलीवरी करते थे। हाँ, ट्रेन में अप्लाई करने। यस यस। तो हमने स्टार्ट किया, कुछ वेंडर्स से हमने बात की है जो स्टेशन के नियर अबाउट में जिनका रेस्टोरेंट है। वैसे आपने जो स्टार्ट किया किस स्टेट से किया स्टार्टिंग में? ये एक्चुअली स्टेट से नहीं, हमने रूट पे किया था। एक्चुअली जो ट्रेन का रूट है बेसिकली हमारा जो पटना टू दिल्ली का रूट है उस रूट पे हमने स्टार्ट किया था। इस रूट पे इम्पोर्टेंट स्टेशन थे, जैसे आपका मुगलसराय था जो कि अभी दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है, एंड कानपुर था, अलाहाबाद था। तो ये सब इम्पॉर्टेंट स्टेशंस थे जहाँ पे कि हमने सोचा कि चलो एक बड़ा हब है जहाँ पे कि ट्रेनें रुकती हैं काफ़ी टाइम तक एंड वहाँ पे हमें डिलीवरी करने में इशू नहीं होगा। बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक सेफर साइड लेके एक पायलट फेज हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर ये जब हमें रिस्पॉन्स मिला, हालांकि शुरू में तो हमने ऐड वगैरह ही किया था, अपना कस्टमर एक्वायर करने की कोशिश की थी। कस्टमर जो भी आया हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें। उस टाइम हम फिगर आउट कर पाए कि डिमांड है दोनों साइड से। एज एन बिजनेसमैन आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि सबसे बड़ा जो मेन चैलेंजेस है बिजनेस में वो है मार्केटिंग, राइट? तो इसमें मेरा इंटरेस्ट इसलिए जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि इसमें वेंडर का भी इंटरेस्ट आ रहा था। जब हमारे ऑर्डर्स आने लगे तो वेंडर्स भी काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे। यस। एंड कस्टमर की भी नीड दिखाई पड़ रही थी कहीं ना कहीं, कस्टमर काफ़ी नीड के साथ हमें इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं आप हमें चाहिए, फूड चाहिए। जो फूड हमने दिया उसके बाद भी रिपीटेड हमारे पास ऑर्डर्स आने लगे। करंटली आप अभी भी देखोगे तो पूरे 4 सालों में नियर अबाउट 25% मोर देन 25% रिपीटेड कस्टमर्स हमने मेंटेन किए। अच्छा, 2015 से पहले की बात, 2015 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय नियर अबाउट 70-75 स्टेशन पे हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, एट स्टार्टिंग में आपने 70 स्टेशन मेन स्टेशन को कवर किया? हाँ, 70 स्टेशन पे मैंने किया। उस समय थोड़ा सा लोग जागरूक भी नहीं थे, कस्टमर को भी नहीं पता होता था, अवेयरनेस नहीं था। हाँ, अवेयरनेस नहीं था कस्टमर में कि इस तरह की सर्विस भी है ट्रेन में जो कि हमें फूड हमारे सीट पे ला कर डिलीवर कर सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से बाद में जब चलने लगा तो धीरे धीरे पॉपुलैरिटी हुई, हमने भी एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग किया तो अवेयरनेस आया। दूसरा कि वेंडर्स को भी ये चीज़ें पता नहीं था उस टाइम में। वेंडर्स का खुद का अपना होम डिलीवरी, जो होम डिलीवरी मैनेज करते थे वो अपने तरीके से करते थे तो उनको ये भी आइडिया नहीं था। मतलब ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि मतलब इससे भी बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, ये भी एक सेगमेंट है जहाँ पे हम लोग अपने फूड के सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के दोनों साइड से रिस्पांस हमें अच्छा मिला। देन
इसी के साथ पॉजिटिव वाइब्स आई कि नहीं ये बिजनेस है जो रन करेगा लॉन्ग रन में। अच्छा सर, ये बताइए आपकी जो आपका स्टार्टिंग फेज में तो आपने देखा कि अच्छा रिस्पॉन्स है और आपका भी मोटिवेशन, आपको भी मोटिवेशन मिला कि और मार्केट कर रहे थे और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था पब्लिक से, बट धीरे धीरे जब इस फील्ड में कंपटीशन बढ़ रहा था तो कंपटीशन को कैसे फेस किया आप लोगों ने? कस्टमर कंपटीशन फेस करना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रहा क्योंकि हम लोग अपने इंडस्ट्री में बेस्ट करते रहे। ओके, जो वेंडर्स थे ऑलरेडी हमारे साथ पहले से जुड़े थे, काफ़ी जुड़े थे, ठीक है, एंड जो हमारे साथ वेंडर्स जुड़े थे उनको काफ़ी अच्छा बिजनेस हम लोग देने लगे। तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप अपने पार्टनर्स को जो जो आपके साथ जुड़े हैं अगर आप उनको अच्छा बिजनेस दोगे तो आपके प्रति झुकाव रहेगा। तो हम लोग इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा ऑर्डर वॉल्यूम क्रिएट कर रहे थे, डे टू डे इम्प्रूविटी था। ओके, तो इस कारण से कोई खास चैलेंजेस हम कॉम्पिटिटर्स से हमें नहीं मिला। ओके, वैसे अगर स्टार्टिंग फंडिंग की बात करूँ तो स्टार्टिंग में आपको फंडिंग का या फिर बोल दो पैसों का क्या इशू आया या फिर कैसे आपने उसको फंडिंग किया? एक्चुअली मैंने तो सेल्फ फंडिंग से स्टार्ट किया था। ओके, बेसिकली ठीक है, तो फर्स्ट 3 मंथ काफ़ी क्रूशियल था। ओके, जिसको मैंने अपने दूसरे जगह से पैसा को रोटेट करके मैं इस बिजनेस में लगाया था। अच्छा, वैसे बेसिकली बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया कि हाँ बिजनेस बनाना है तो इसका पहला चीज क्या होगा? पहला तो आरएनडी आपने जो किया होगा वो? यस यस, पहले तो मुझे ये सेगमेंट जो बिजनेस सेगमेंट है वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। ओके, ठीक है, नई चीजें थी। ओके, तो काफी चैलेंजिंग भी लगा। एंड उसके बाद अगर बात करें तो ऑलरेडी एक मॉडल चल रहा था होम डिलीवरी का जो ऑलरेडी फूड पांडा चला रही थी, तो मैं श्योर था कि हाँ ट्रेन में डिमांड बनेगी एंड ट्रेन में एक्चुअली नीड भी होता है लोगों का, ठीक है, जिस तरीके से आप देखो यहाँ पे ट्रेनें चल रही हैं और पेंट्री कार का जो स्थिति रहता है खाने का आपको पता है ऑलरेडी, इतने सारे इश्यूज रहते हैं, जिस प्राइस में जो खाना दिया जाता है वो मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। तो ये पॉइंट था हमारे लिए, मतलब ये हमारा बेसिक यूएसपी था बिजनेस का कि अगर हम क्वालिटी फूड, क्योंकि आजकल कस्टमर पे करना चाहते हैं अगर आप उनको अच्छा खाना दोगे, आप वो अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि बढ़िया क्वालिटी का खाना सर्व हो, जैसे उनके घर में सर्व होता है या कहीं बढ़िया जगह खाते, तो एक उनको एक फेथ आता है कि हाँ एक बढ़िया रेपुटेड रेस्टोरेंट से हमारा खाना आ रहा है एंड प्रॉपर तरीके से हमारा उसको हम लोग सर्व करते हैं। okay. तो ये हमारा मेन यूएसपी था जिसके कारण ये बिजनेस सस्टेन करने का सबसे इम्पोर्टेंट, आपको पता है कस्टमर आपका सेटिस्फाइड है तो आपका बिजनेस चलेगा, कस्टमर सेटिस्फाइड। वैसे कुछ आपका जो बिजनेस सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट? बिहार गवर्नमेंट एक अच्छी स्टार्टअप पॉलिसी लेके आई जिस समय मैं इंडस्ट्री में आया था। Okay. एक अच्छी पॉलिसी, उस समय स्टार्टअप का शुरुआत था बिहार में। Okay, स्टार्टअप कल्चर डेवलप ही कर रहा था। हाँ, स्टार्टअप कल्चर डेवलप ही कर रहा था उस समय, उसी समय ये इनिशिएटिव लेके आई बिहार गवर्नमेंट। उस समय मैंने देखा कि हाँ गवर्नमेंट भी एक्टिव हुई है इस बारे में, हमने पॉलिसी भी पढ़ा देखा भी एंड उसमें हमें कुछ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो स्टार्टअप है उनको हम लोग 10 लाख रुपीज़ का इनिशियल सीड फंडिंग करेंगे। ठीक है, तो उसमें भी हमें सेलेक्ट किया गया था। ये कौन सी ईयर की बात है? ये 2017 में एक्चुअली। ओके, 15 में स्टार्ट किया। हाँ, जब हमने स्टार्ट किया हम लोग काफ़ी ग्रो कर चुके थे, उसके बाद ये स्टार्टअप पॉलिसी बेसिकली आई थी बाकी। अच्छा, वैसे जब आपने अपना जब ये रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया तो वैसे फैमिली की तरफ से कुछ प्रेशर वगैरह आया ऐसा कुछ? नो, फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, इनफैक्ट मेरे फादर काफ़ी खुश थे, सब जगह बताते हुए थे कि मेरा बेटा इस तरीके का काम कर रहा है। ओके, एंड जितने भी लोगों से मैं मिला इस दरमियान साल दो साल में, जितने लोगों से भी मिला, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कोई कलीग हो किसी ऑफिसर से या किसी डिपार्टमेंट में मिला, तो मुझे एक बहुत अच्छा व्यू मिला कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो। बेसिकली आपका अर्ली लाइफ कहाँ से रहा सर, मतलब पटना से या फिर? अर्ली लाइफ एक्चुअली बेसिकली मैं हूँ लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से। ओके, ठीक है, मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई। ओके, फिर मैं 10+2 किया, उसके बाद मैं कमर्शियल पायलट के लिए मैं चला गया था फ्लाइंग करने के लिए। ओके, कहाँ? मैं जयपुर में था एंड फिलीपींस में मेरी फ्लाइंग थी एक्चुअली। ओके, तो मैं फिर वहाँ से क्विट करके आया। ओके, तो क्विट करके आया क्योंकि मुझे कुछ पेरेंट्स के बिजनेस में इंटरेस्ट आ गया था उस टाइम तक, तो मैं चाहता था कि मैं पेरेंट्स के साथ। बिजनेस में आपका इंटरेस्ट उस समय से भी था? यस यस यस, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो बिजनेस
में इंटरेस्ट था मेरा. ठीक है, तो फैमिली का जो भी बिजनेस था तो उससे आपको कोई रिलेटेड में आपने बिल्कुल अलग फील्ड में अपना? एक्चुअली फैमिली का बिजनेस था, फैमिली बिजनेस में भी मैं इन्वॉल्व हुआ कुछ टाइम. तो फैमिली बिजनेस क्या था? फैमिली बिजनेस था एक्चुअली हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम था, राइस फूड ग्रेन्स में हम लोग डील करते थे. ओके, पैकेजिंग. हाँ, वो पिताजी अभी भी करते हैं. तो उसको मैंने थोड़ा सा एडवांस तरीके से किया था उस टाइम में. मतलब उस समय जो नेटवर्किंग था, ऑनलाइन नेटवर्किंग उस टाइप का नहीं था, बहुत ट्रेडिशनल तरीके से चल रहा था वो बिजनेस. तो उसमें मैंने 2 साल काम किया और काफ़ी अच्छा काम किया था मैं. वहाँ से ही मैं अपना फंड, मतलब जो पर्सनल फंडिंग जिसको आप कह सकते हो, मैं वहीं से फंड जनरेट किया. तो पर्सनल फंडिंग मेरी वहीं से हुई एंड फिर मैं आगे इसमें मूव किया. तो मैं एक्चुअली रियल एस्टेट जब स्टार्ट किया था, मेरी जब शादी हुई थी, मेरी वाइफ एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. तो उनका इंटरेस्ट था कि एक कंपनी में स्टार्ट करें, एक आईटी कंपनी स्टार्ट करें. तो ये विचार चल रहा था कि भाई क्या करें. तो मेरा ई कॉमर्स में काफ़ी अच्छा रुझान था उस समय, देखते थे. उस समय ही ये इंटरेस्ट आया, फिर हमने सोचा कि चलो मिल के हम लोग स्टार्ट करते हैं. उनकी भी फ्रेंड लोग थी जो कि कॉलेज से पास आउट हुई हुई थी, तो 2-4 लोग मिल के हम लोग साथ में स्टार्ट किए थे. वैसे ये तो हो गई सर आपके रेल रेस्टो के बाद जो कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप है आपका. ओके, इससे पहले भी आपने कोई स्टार्टअप वगैरह किया हो? नहीं नहीं, मैंने यही स्टार्टअप किया था एक्चुअली. रेल रेस्टो आपका पहला स्टार्टअप है? और ये स्टार्ट मैंने इसलिए क्योंकि एक्चुअली मेरे पास और भी बिजनेस आइडिया था. मैं और भी कुछ करना चाहता था, मेरे माइंड में चलता था कि ये सब करना है. लेकिन मैं स्टार्ट किया इसके साथ, स्टार्ट इसलिए क्योंकि मुझे इसमें, जैसा मैं आपको बताया कि बिजनेस में सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है मार्केटिंग एंड रेवेन्यू को लेके आना. राइट. वैसे ये चीज आपने कब रियलाइज किया कि मतलब बिजनेस में सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है मार्केटिंग? ये बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, मुझे पता है. आप बिजनेस करोगे ना, आपको पता चलेगा. आप कभी काम करो, अच्छा भी काम करके दोगे, पता चलता है कि पेमेंट के लिए लोग लटके रहते हैं 6-6 महीना, 1-1 साल. राइट. ये तो होता है, पता है आपको. चाहे प्राइवेट कंपनी के साथ काम करो, इंडिविजुअल के साथ काम करो, या गवर्नमेंट कंपनी के साथ काम करो, तो सेल्स तभी मानी जाती है जब आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचा एंड उसके बाद रेवेन्यू आपके पास आ गया. मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे पॉकेट में जब पैसा है ना, कब कुछ करने के बाद अगर तेरे पॉकेट में पैसा बच गया, दैट इज ओनली योर अर्निंग. उससे पहले कोई अर्निंग नहीं है. ठीक है, तो मार्केट में आप अच्छी सर्विस दे रहे हो, बहुत सारे स्टार्टअप आए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए, लेकिन वो रेवेन्यू पॉइंट से, क्योंकि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको रेवेन्यू चाहिए. आप कहीं से फंडिंग तो लिए नहीं हो, आप कहीं फंडिंग लेके, ऐसा नहीं है कि आप कैश बर्न कर रहे हैं. मुझे खुद का अपना फंड को ही रोटेट करना है. तो मैंने यही चीज़ देखा कि यार ठीक है, इसमें वेंडर्स को भी मज़ा आ रहा है, वेंडर्स भी बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, एंड कस्टमर्स भी यहाँ के एंड से भी हमें डिमांड मिल रहा था. कस्टमर ने हमें डिमांड किया कि भाई हमें चाहिए, खाना चाहिए. तो हम कस्टमर को नीड और उनका वॉल्यूम को देखे तो हिसाब से, और धीरे धीरे जब बिजनेस भी ग्रो हुआ तो वेंडर्स भी हमारे साथ, मतलब काफ़ी ट्रस्ट करने लगे कि नहीं, ये कंपनी है जिसके साथ हम लोग बिजनेस बढ़ा रहे हैं. ओके, ठीक है. अच्छा, तो आप सर एक बात बताइए कि मार्केट में जब आपने पटना टू दिल्ली रूट में जब अपना सर्विस चालू किया, तो उस रूट में आपका सर्विस फ्रिक्वेंटली चलने लगा? ओके, यस, उसका मैंने काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया. ओके, पायलट प्रोजेक्ट के दौरान? यस यस, उस टाइम मैं काफ़ी मॉनिटर किया था. उसके बाद जब पटना टू दिल्ली मॉडल के बाद जब आपने टेस्टिंग कर लिया, आपका R&D हो गया कि हाँ बिजनेस सक्सेसफुल मॉडल है आपका, तो आपने इसको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट किया, और उस दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखो, जब हमने पायलट पे जब स्टार्ट किया था, तो उस समय ही मैंने डिसाइड किया था कि इसको मैं मोबाइल ऐप पे लेके आऊँगा. ओके, तो पहले से ही फोकस था मेरा कि मोबाइल ऐप एंड मोबाइल ऐप, वेबसाइट एंड टेक्नोलॉजी का ही सहारा लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा मैनुअल तरीके से भी उस समय फूड वेंडिंग होता था एक्चुअली. पैम्पलेट लेके जाते थे एंड रेल रेस्टोर का भी आप लोग? नहीं नहीं नहीं, रेल रेस्टोर का नहीं, मतलब लोकल वेंडर्स, जो लोकल वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स है या लोकल जो रेलवे प्राइवेसिस में काम करते हैं, वो लोग भी अनऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्डर्स लेते थे. पेंट्री कार वाले आके ऑर्डर लेते थे. तो मैंने इसको मोबाइल बेस्ड बनाने का कोशिश किया था उस समय, क्योंकि उस समय ही मोबाइल का एक अच्छा बूम आ रहा था. मोबाइल ऐप बनाया, वेबसाइट, सबसे पहले मैंने वेबसाइट बनाई. उसके बाद हम लोग साइड बाय साइड विजिट्स किए. मार्केटिंग के बंदे हमारे थे, वो पूरे इंडिया घूमे, सारे जगह गए, सारे वेंडर से मिले, बताया उनको. अच्छा, आपकी टीम थी? हाँ, टीम भी तो आप लोगों को एस्टेब्लिश करना. हाँ, हमने टीम हायर किया था, सबसे पहले हमने मार्केटिंग टीम हायर की. ओके,
तो वो लोग जाके बताते थे, उसमें वेंडर्स को भी पता नहीं होता था कि ये इस तरीके का बिजनेस मॉडल है कुछ, तो नया था बिजनेस मॉडल, लोग को भी नया लगा, तो समय कन्विंस करना बताना एंड काफी टाइम टेकिंग था कि खैर देखते हैं करेंगे ऐसा कुछ, मतलब उनको भी फेथ नहीं था कि कुछ ऐसा बिजनेस जनरेट हो पाएगा या हो सकता है कुछ इश्यूज हो उनके लिए भी, फर्स्ट टाइम था ये। हाँ फर्स्ट टाइम था कि यार ट्रेन में कोई खाना कैसे सर्च करके ऑर्डर करेगा एंड ऑल, और इन सब चीजों के लिए आपने जो टीम हायर की, अपने उस टीम हायरिंग के दौरान या फिर टीम बिल्ड करने के लिए आपको क्या-क्या चैलेंजेस वगैरह फेस करने पड़े? चैलेंजेस जो हमारी कोर टीम है वो तो मेरी काफी अच्छी बनी स्टार्टिंग में, जो हमने बना क्योंकि हमारे काफी क्लोज फ्रेंड्स ही थे जो कोर टीम में ऑलरेडी दूसरी कंपनी में थे या पढ़ाई करके निकले थे, तो उन लोग को मैं लेके आया था एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, कनेक्शन भी हमारा था पहले से, तो उनको ट्रेन करना एंड उसके बाद वो लोग जब मार्केट में निकले तो बहुत अच्छा काम किए। चैलेंजेस आगे स्केल करने में रहा मैन पावर का, क्योंकि क्वालिटी स्किल्ड मैन पावर जो क्वालिटी टीम चाहिए वो थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ मतलब काफ़ी टफ रहा हमारे लिए हायर करना ये चीज़, उसके लिए हमने काफ़ी एफर्ट लगाया, ठीक है, मतलब जिस हिसाब से मैंने एफर्ट लगाया उस हिसाब से मतलब क्वालिटी नहीं बन पाती। दूसरा चीज़ एक प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि एम्प्लॉय रिटेंशन की काफ़ी कमी है, तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारा प्रोग्राम चलाया है, ऐसे बंदे टिकते नहीं है। हाँ ये चीज़ है, मतलब बहुत मतलब ये चीज़ मैंने फिगर आउट किया, क्योंकि जब मैं कॉल सेंटर इस्टेब्लिश किया, कॉल सेंटर के बंदे चाहिए थे, तो कॉल सेंटर में भी मैं देखता था कि तो एक क्वालिटी को मेंटेन करना, एक अच्छी क्वालिटी सपोर्ट आपको देना कॉल सेंटर से, तो ये थोड़ा सा टफ रहा। दूसरा टेक्नोलॉजी टीम में भी इश्यूज रहा, काफ़ी चैलेंजेस रहे, मतलब लोगों को ट्रेन करना उसमें काफ़ी टाइम लगा एंड ट्रेन करके प्रोडक्टिविटी निकालना, सो ये थोड़ा सा चैलेंजेस रहा मेरे लिए। टीम बिल्डिंग मतलब एक चैलेंज था पूरे इस, अच्छा इस पूरे जर्नी में आपको सबसे चैलेंजिंग फेज कौन सा लगा? वो टेक्नोलॉजी लेवल पे था या फिर वेंडर सिलेक्ट करने पे था या फिर एक बार जब हमने स्टार्ट कर लिया एंड वेंडर्स को हम बताने लगे कि यार इस तरीके से बिजनेस चल रहा है, तो वेंडर्स लोग कन्विंस होते गए और एक बार हमारे साथ जुड़ गया, तो उसके बाद फिर वो काफी लंबा चल रहा है हमारे बिजनेस, तो वो सेटिस्फाइड है, उनको हम लोग बिजनेस जनरेट करके दे रहा है, रेवेन्यू वो शेयर कर रहे हैं, उनको कोई इश्यूज नहीं है। तो इस फेज में सबसे चैलेंजिंग क्या रहा? चैलेंजिंग बेसिकली टीम बनाने में रहा हमारी, मैं आपको बता रहा हूँ, टीम एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा, टेक्नोलॉजी की टीम हो या ऑपरेशंस की टीम हो, तो ये मतलब एक स्किल्ड जो ई कॉमर्स सेगमेंट के लिए चाहिए, तो ये थोड़ा सा काफ़ी चैलेंज रहा। यहाँ पे उतनी अच्छी एजेंसीज नहीं थी कि जो कि मतलब क्वालिटी लोग को प्रोवाइड करे, क्योंकि यहाँ पे तो लोग जो अच्छे लोग होते हैं पढ़ाई के बाद निकल जाते हैं यहाँ से, ये बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, हायर स्टडीज करने उधर ही रहते हैं, इधर आते नहीं, तो ये एक मेजर चैलेंज है हमारे स्टेट में। वैसे जो नए स्टार्टअप आ रहे हैं कुछ आप उनको सजेशन देना चाहेंगे? नए स्टार्टअप्स को सजेशन मैं ये देना चाहूँगा सर कि सबसे पहले तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड बिजनेस जितना ईजी हो आप उसको उतना अच्छा आगे लेके जा सकते हो, उतना फास्ट आप ग्रो कर सकते हो। इजी इन टर्म्स ऑफ? इजी इन द टर्म्स ऑफ कि जो मैं आपको बताया कि आप इन्वेस्ट करते हो, अपना एफर्ट लगाते हो, तो मेक श्योर कि आप जो एफर्ट लगा रहे हो उसका आपको पूरा पूरा रिटर्न मिल रहा हो। सपोज मैं बिजनेस ऑलरेडी मैं पहले से कहीं बिजनेस कर रहा था, वहाँ मैं कुछ अमाउंट कमा रहा था, मैं वहाँ जितना एफर्ट दे रहा हूँ मुझे उसकी अर्निंग मिल रही है। सपोज मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ एंड एंड ऑफ द डे मुझे पता चलता है कि मेरे पास रेवेन्यू आ ही नहीं रही है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं फेल्योर होता है आपके कॉन्सेप्ट में या आपके इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में। ओके, आपके पास कॉन्सेप्ट है लेकिन आप उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, सही जगह पे नहीं कर पा रहे हो, सही एज ग्रुप में आप टारगेट नहीं कर पा रहे हो, सही ऑडियंस आप नहीं पकड़ रहे हो। ओके, तो ये सब चीजें आरएनडी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको पता है। ओके, आरएनडी अगर आपका स्ट्रांग है, आपने सही बिजनेस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एकदम क्लियर था कि मेरी डिमांड बन रही है, मेरे पास रेवेन्यू, मैं रोटेट कर लूँ, अगर ये आपका क्लियर है तो आप बिजनेस को किसी भी लेवल पे स्केल कर सकते हो। ओके, ठीक है ना। अच्छा सर ये बताइए, अभी तो फिलहाल आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट आने वाले 5 सालों में आपने क्या सोचा है कि रेलरेस्ट्रो कहाँ पर होगा? इसी पे मैं काम कर रहा हूँ पिछले 4 सालों से। ओके, तो जो जितनी ट्रेनें चल रही है और करीब 4.5 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं इंडिया में। ओके, एंड जो ऑर्डर का साइज है, जो एस्टिमेटेड साइज है, वो मुझे
10 लाख से भी ऊपर ऑर्डर का साइज दिखता है पर डे पैन इंडिया. बट अभी जो हम लोग करेंटली कर रहे हैं दैट इज नियर अबाउट 5,000 to 6,000 ऑर्डर्स कर रहे हैं. एंड अगर पूरे इंडस्ट्री की बात करें, पूरे इकोसिस्टम की बात करें, तो जो भी काम कर रहे हैं इसमें आइदर आईआरसीटीसी कैटरिंग हो या आइदर कंपनी जो भी काम कर रही है, जो ऑर्डर का पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में उसका 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल. ओके, अगर आप टोटल अगर बात कर लो तो इंडस्ट्री में अभी जो ऑर्डर क्रिएट हो रहा है इंडिया पैन इंडिया 10,000 से ज़्यादा नहीं हो रहा है. ओके, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इसमें कितना अपॉर्चुनिटी है अभी. अगर आप अच्छे से अपनी टीम को आप स्केल करो, अपनी डिलीवरीज को फिक्स करो, एंड ब्रांड अवेयरनेस का कमी है, अवेयरनेस बढ़ा है पिछले 4 सालों में, अवेयरनेस बढ़ा और आगे 5 साल में और बढ़ेगा. तो जब ब्रांड अवेयरनेस आपका बढ़ेगा तो कस्टमर्स अल्टीमेटली रिएक्ट करेंगे, उनको नीड है, वो आएंगे ही हैं आपके पास, आपको ऑर्डर करेंगे, बस आपका काम है कि आप उनको सेटिस्फाई करो. आप अगर एक बार सेटिस्फाई करोगे डेफिनेटली आपके पास बार बार आएंगे. ये तो चेन है सर, ये चल रहा है, पुराने कस्टमर रिटेन हो रहे हैं, नए कस्टमर अवेयर से आ रहे हैं, बट आने वाले 5 सालों में क्या? आने वाले 5 सालों में मेरा टारगेट है कि मैं इस इंडस्ट्री में एटलीस्ट 50% एक्वायर करूं. ओके, 50% कस्टमर आपकी कंपनी एक्वायर करना चाहती है. 50% ऑर्डर वॉल्यूम मैं एक्वायर करना चाहता हूं एंड मैं उसी पे काम कर रहा हूं अभी. तो जो बेसिक्स फिक्सेस है डिलीवरीज को लेके, अपना प्रेजेंस हर जगह बनाने को लेके, वो हम लोग अभी कर रहे हैं. क्वालिटी ऑलरेडी हमारा मेंटेन, हमारे पास कंप्लेंट्स ना के बराबर आते हैं, रिव्यूज भी अच्छे हैं कस्टमर्स के. ऑनबोर्ड भी हम ट्रेन में बुकिंग लेने का प्लान कर रहे हैं सो दैट कि हमारा रीच डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ बढ़ जाए. आप डायरेक्टली चाह रहे हैं कि आपके थ्रू ना फिजिकली भी लोग बुक करें? यस, हमारे एग्जीक्यूटिव्स उनको डेमो देंगे और बताएंगे, लाइक जैसे आप फ्लाइट में आप देखते हो कि फ्लाइट स्टीवर्ड्स और एयर होस्टेस आपसे आके खाने का ऑर्डर लेती हैं, काइंड ऑफ वैसे हम लोग ई कैटरिंग में भी लाना चाह रहे हैं सो दैट कि हम अवेयरनेस बढ़ा सके. ठीक है, एटलीस्ट लोग अवेयर होंगे, जानेंगे. बहुत अच्छा लगा सर आपका, आपसे बात करके. आपका जो रेलरेस्ट्रो का मॉडल है काफ़ी अच्छा है, इन फ्यूचर आप और भी ग्रोथ करें और फिर कभी हम लोग आपके साथ फिर से पॉडकास्ट बनाएंगे आपके जो आगे के फ्यूचर प्लान्स हैं उसको लेकर. ओके, थैंक यू सर. डेफिनेटली.